हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज का हमारा टॉपिक है टाइप्स ऑफ बॉटम वेयर। इससे पहले हमने टाइप्स ऑफ कुर्ती पे एक वीडियो अपलोड किया था जो आप यहाँ देख सकते हैं। आज हम बताने वाले टाइप्स ऑफ बॉटम वेयर फॉर वुमन, वुमन में या गर्ल्स में किस किस तरह के बॉटम वेयर है जो मार्केट में अवेलेबल है और कौन से बॉटम वेयर आपके पास होने ही चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट है प्लाजो। प्लाजो की पूरी सीरीज है, हम इसमें नॉर्मली एक प्लाजो की बात करने वाले हैं। प्लाजो बहुत सारे टाइप के होते हैं, स्ट्रेट कट होते हैं, बेल बॉटम होते हैं, फिर वाइड लेग होते हैं, स्ट्रेट होते हैं, बहुत अलग अलग तरह के प्लाजो अवेलेबल है। लेकिन इसे हम एक ही सीरीज प्लाजो कह सकते हैं। प्लाजो मोस्टली आप जो भी हमारे कुर्ते वगैरह है या फिर अनारकली के संग भी आजकल प्लाजो को स्टाइल अप किया सकता है, और साथ साथ ही जो वेस्टर्न वेयर है उसमें भी आप प्लाजो को स्टाइल कर सकते हैं। आपके पास कोई स्पेसिफिक टॉप या तो फिर कोई टी शर्ट है उसके साथ आप प्लाजो को स्टाइल अप कर सकते हैं। प्लाजो अभी सबसे ज़्यादा ट्रेंडी चल रहा है। आप चाहे एथनिक वेयर की बात करें या तो फिर वेस्टर्न वेयर की, प्लाजो मस्ट है। आपके पास कम से कम दो या तीन तरह के प्लाजो आपके वार्डरोब में होने चाहिए। आप बेसिक कलर जो होते हैं आप उस कलर के प्लाजो अपने वार्डरोब में ज़रूर रखिए। सेकेंड है जीन्स। जीन्स में भी बहुत सारी टाइप्स होती है, हम लेकिन जीन्स की भी बात कर रहे हैं। आप अपने बॉडी टाइप या फिर आपके कंफर्ट जोन के हिसाब से आप किसी भी तरह की जीन्स पहन सकते हैं। जीन्स आपको वेस्टर्न वेयर और साथ ही एथनिक वेयर में भी अभी जीन्स बहुत ज़्यादा यूज़ की जाती है, चाहे वो शॉर्ट कुर्ता हो या तो फिर स्लिट कुर्ते हो। उसके बाद आप जीन्स को स्टाइल अप कर सकते हैं। खास करके जो कॉलेज गोइंग गर्ल्स है वो कुर्ता और जीन्स अभी सबसे ज़्यादा ट्रेंडिंग है। समर में ये सबसे ज़्यादा यूज होता है। चिकन के कुर्ते या तो फिर कॉटन, प्योर कॉटन के कुर्ते के संग आप जीन्स को स्टाइल अप कर सकते हैं। तो जीन्स भी एक बॉटम वेयर है जो आपके वार्डरोब में हमेशा होना ही चाहिए। अगर आप वेस्टर्न वेयर में इतने नहीं है फिर भी आपके पास कम से कम दो या तीन टाइप की जीन्स तो होनी चाहिए। जो बेसिक जो कलर्स है, जो डार्क ब्लू है, ब्लैक है, आइस ब्लू है, इस तरह के जो कलर है वो आपके पास जीन्स के होने ही चाहिए। तो जो भी आपको ज़रूरत पड़े आप तुरंत उसे स्टाइल कर सकते हैं। थर्ड है शॉर्ट्स या तो फिर कैप्री। शॉर्ट्स वेस्टर्न वेयर में काफ़ी यूज़ होते हैं। जो इतनी भी लड़कियाँ हैं जिन्हें पसंद है शॉर्ट्स पहनना, उनके पास शॉर्ट्स की बहुत अच्छी कलेक्शन होती है। मोस्ट ऑफ़ली वेस्टर्न वेयर में टी शर्ट या टॉप के साथ आप शॉर्ट्स को स्टाइल अप कर सकते हैं। शॉर्ट्स अलग अलग लेंथ में आपको अवेलेबल मिल जाएंगे, कई आपके थाई तक हो गए, कई नी लेंथ तक के भी शॉर्ट्स आते हैं। उसके अलावा है कैप्री। कैप्री भी अभी इतनी ट्रेंडिंग नहीं है, लेकिन एक टाइम था जो कैप्री बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग होती थी। खास करके जो डेनिम कैप्रीज है उसका एक स्पेसिफिक टाइम के दौरान वो बहुत ज़्यादा ट्रेंडी थी, लेकिन अब वो आउट ऑफ ट्रेंड हो गई। लेकिन फिर भी अगर आपको पसंद है अपने आप को स्टाइल अप करना और आपको मतलब आपको शॉर्ट्स वेयर पहनने हैं लेकिन आपको अपनी बॉडी को ज़्यादा ही शो नहीं करनी, तो आप नी लेंथ तक की या फिर बिलो नी लेंथ तक की आप कैप्रीज पहन सकते हैं, जिससे आप ज़्यादा वेस्टर्न वेयर को आप ट्राई कर सकते हो और आपकी बॉडी भी ज़्यादा शो नहीं होगी। नेक्स्ट है चूड़ीदार। चूड़ीदार एक टाइम था वो भी कुछ ज़्यादा ही ट्रेंडी था, लेकिन अब जो चूड़ीदार का ट्रेंड है वो पूरा ख़त्म हो गया। आपको बहुत गिने चुने लोग दिखेंगे जो चूड़ीदार पहनते हैं। चूड़ीदार की जगह अब पैंट्स ने ले लिए, चाहे वो कॉटन पैंट्स हो या फिर किसी भी अलग मटेरियल की पैंट्स हो, अभी वो सबसे ज़्यादा ट्रेंडी चल रही है। अनारकली हो गए, डेली वेयर के कुर्ते हो गए, एथनिक हो गए, एथनिक वेयर हो गए, इवन जो हमारे वेस्टर्न वेयर होते हैं उसमें भी अभी पैंट सबसे ज़्यादा यूज़ की जाती है। चूड़ीदार की जगह बहुत ज़्यादा खत्म हो गए, लेकिन उसकी जो जगह है वो पैंट्स ने ले ली है। पैंट्स भी आपको चूड़ीदार टाइप का ही लुक देगा, वो आपकी बॉडी पे स्किन फिट रहेगा, लेकिन वो नीचे की तरफ आपको कम क्रीज देता है, तो पैंट्स भी आपके वार्डरोब में ज़रूर होने चाहिए। नेक्स्ट है पटियाला। पटियाला या तो फिर आप धोती सलवार कह सकते हैं। पटियाला हर किसी को पसंद होता है एंड आई एम 100% श्योर हर किसी के पास एक पटियाला तो होता ही है। या आप पूरे सेट में ले सकते हैं पटियाला सूट के थ्रू, या तो फिर आप अलग अलग तरह के जो बेसिक पटियाला है आप उसे यूज़ करो, ब्लैक है, वाइट है, बेज कलर है, उस तरह के अपने पटियाला की आप कलेक्शन रखिए। और उसके बाद आप ऊपर कोई भी प्लेन कुर्ता हो या तो फिर कोई स्पेसिफिक प्रिंटेड कुर्ता हो आप पटियाला के साथ स्टाइल अप कर सकते हैं। पटियाला की एक और टाइप है वो है धोती, जो आपको प्रॉपर पटियाला लुक नहीं देता लेकिन उसका जो लुक होता है वो धोती टाइप का होता है, जिसे आप पेपलम टॉप या तो फिर जो लॉन्ग पेपलम टॉप या तो फिर जो शॉर्ट अनारकली पेपलम टॉप्स होते हैं जो सिर्फ नी तक आते हैं उसके साथ आप जो धोती को स्टाइल अप कर सकते हैं। लास्ट है स्कर्ट। स्कर्ट बहुत ज़्यादा ट्रेंडी है, आपने कहीं ना कहीं किसी न किसी को देखा ही होगा जो आप कहीं स्कर्ट के साथ फोटो अपलोड कर रहे हैं या रील बना रहे हैं, और स्पेशली समर में स्कर्ट बहुत ज़्यादा
यूज होता है, क्योंकि स्कर्ट का जो मटेरियल होता है मोस्टली कॉटन का होता है और कॉटन समर में बहुत ज़्यादा अच्छा मटेरियल माना जाता है। तो आप स्कर्ट भी अपने वार्डरोब में रखें, स्कर्ट के साथ आप शॉर्ट कुर्ता स्टाइल अप कर सकते हैं, आप लॉन्ग कुर्ते भी स्टाइल अप कर सकते हैं, और टी शर्ट है, प्लेन टी शर्ट है, या तो फिर कोई स्पेसिफिक टॉप है उसके साथ आप स्कर्ट को स्टाइल अप कर सकते हैं, स्कर्ट लुक बहुत ज़्यादा अच्छा आता है। तो आज के लिए बस इतना ही, ये थी टाइप्स ऑफ बॉटम वेयर। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप प्लीज़ हमें कमेंट में बताइए। तब तक के लिए इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ओके बाय।